Hey guys, this is Vaibhav Saini and once again welcome to Decadron. So this is a big day guys, क्योंकि आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे आज से हम लोग अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं द लेजेंडरी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज. यस गाइज, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. मैं आप लोग को अश्योर करता हूँ कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इसको हम एंड तभी करेंगे जब हम एंडर ड्रैगन को बीट कर देंगे, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ मैं. इसका नाम मैंने पहले से सोच के रखा था, टेकाड्रॉन्स वर्ल्ड. मैं डिफ़िकल्टी हार्ड पर सेट कर देता हूँ क्योंकि मोस्टली मैं हार्ड पर ही खेलता हूँ. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड और देखते हैं हम लोग कैसी जगह स्पॉन होते हैं. ये सीरीज़ बेसिकली एक ऑल इन वन टाइप होने वाली है. आप लोग को बहुत सारे फार्म्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कूल हाउस बिल्ड्स देखने को मिलेंगे, स्टोरेज बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं. ऑटोमेटिक फार्म्स, सेमी ऑटोमेटिक फार्म्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो हम लोग स्पॉन हो गए हैं और मेरे सामने एक डार्क ओक फॉरेस्ट है और वहाँ पर इतना बड़ा सा हिल है. आई थिंक डिसेंट सी जगह पर हम लोग स्पॉन हुए हैं. प्लेन्स बायोम है ये, यहाँ पर ओक ट्रीज भी हैं, इतने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं मुझे. ओह, दिस इज़ अमेजिंग गाइस. सामने ल्यूक वॉर्म ओशन है, मतलब ल्यूक वॉर्म ओशन मतलब एक अच्छा ओशन होता है, रेयर, थोड़ा सा रेयर ओशन है. और इसमें हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक कोरल्स एंड मैनी मोर थिंग्स. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल में. अपने सराउंड, दिस इज सो नाइस गाइस. सामने एक स्वैम बायोम भी है. अगर आपको आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर, तो सामने एक स्वैम बायोम भी है. और स्वैम बायोम का मतलब है कि हमें माइनक्राफ्ट के अंदर एक रेयर चीज़ होती है, थोड़ी सी रेयर चीज़ होती है, स्लाइम बॉल्स. वहाँ पर स्लाइम्स को हम लोग जाकर हंट करेंगे तो हमें स्लाइम बॉल्स ईजिली मिल जाएंगी. तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह स्पॉन हुए हैं, मतलब मेरे आज तक के स्पॉन्स में से काफ़ी बढ़िया स्पॉन है ये. मैं यूजुअली इतनी अच्छी जगह पर स्पॉन होता नहीं हूँ. तो फटाफट से जैसा कि माइनक्राफ्ट में स्पॉन होते ही करते हैं, वुड कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग. अर्ली ऑन ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 16-17 वुड के हमारे पास लॉग्स होने चाहिए, बट मेरे हिसाब से 6-7 बहुत होते हैं. 8 या 10 मैक्सिमम मैं उतने ही कलेक्ट करता हूँ. तो 8 हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं. तो हमारे पास अब सफिशिएंट वुड है. अब मैं फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ. जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, बिना क्राफ्टिंग टेबल के हम लोग कुछ नहीं कर सकते माइनक्राफ्ट के अंदर. तो मैं यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करता हूँ. आप ई प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पर तो क्राफ्टिंग मेन्यू खुल जाता है. तो यहाँ पर आप लॉग्स को प्लेस करेंगे तो प्लैंक्स मिल जाएंगे आपको. सी, अब इन प्लैंक्स को अगर आप एक स्क्वायर शेप में, मतलब बेसिकली सारे ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर देंगे तो क्राफ्टिंग टेबल मिल जाएगी. क्राफ्टिंग टेबल मैंने बना लिया, मैं इसको यहीं पर प्लेस कर देता हूँ. अब हमें वुडन टूल्स चाहिए. वुडन टूल्स के नाम पे हमें सिर्फ एक ही टूल चाहिए, जो कि है पिकैक्स. अब बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा पूरा वुडन टूल्स का सेट बनाते हैं, बट लिटरली हमें सिर्फ एक ही वुडन टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि पिकैक्स. पिकैक्स से हम स्टोन को माइन करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टोन पर स्विच करेंगे. तो फटाफट से स्टोन ढूंढ लेते हैं. यहाँ पर एक केव सिस्टम दिखा. तो जितना स्टोन हमें चाहिए स्टार्टिंग में, 15-16 उतने स्टोन हम लोग यहाँ से लेंगे. तो अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू सर्वाइव फर्स्ट डे इन माइनक्राफ्ट, जो कि मेरी वीडियो का टाइटल भी था. तो माइनक्राफ्ट में पहला दिन सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको चाहिए. सबसे पहली चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक बेड. आपको एक बेड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेड जो है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ है अर्ली ऑन गेम में. बेड का यूज़ करके आप लोग नाइट को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं. सो हाउ अमेजिंग इज़ दैट, मतलब अगर आप रात को स्किप कर देंगे बेड पर सोकर, तो ना तो मॉब्स स्पॉन होंगी और ना कोई खतरा होगा. मतलब अर्ली ऑन गेम में प्रोग्रेस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप फटाफट से सबसे पहले बेड एक्वायर करें, और जैसे ही शाम हो फटाफट से उस पर सो जाएं, क्योंकि कोई मॉब्स स्पॉन नहीं होंगी और कोई खतरा नहीं होगा. और दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ माइनक्राफ्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है अर्ली ऑन, वो है हमारा फूड. आपको एक फ़ूड का सोर्स चाहिए, और फूड जो है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फूड जो है अर्ली गेम का, वो है बेरीज़. अगर आप लकीली एक टाइगा बायोम में स्पॉन हुए हैं, तो बेरीज़ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बेरीज़ आपको ईजिली मिल जाएंगी. तो मैंने यहाँ पर स्टोन की टूल्स बना लिए हैं. सो आपको एक एडवांसमेंट भी मिलता है जैसे आप स्टोन के टूल्स पर स्विच करते हैं, उसे स्टोन एज का आई थिंक एडवांसमेंट होता है. तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ गेटिंग अ बेड. अब बेड के लिए चाहिए हमें वूल, और वूल मिलती है हमें शीप से. तो लेट्स फाइंड सम शीप. मैंने आई थिंक इस साइड शीप्स कहीं देखी थी, या मे बी नहीं, लेट्स सी.
मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, ज़्यादा घूमना ना पड़े। देयर वी गो, वहाँ पर एक शीप है, और मेक श्योर कि आप लोग शीप से अगर शीप को मारें तो सेम कलर की शीप को किल करना, क्योंकि सेम कलर की वूल होगी तभी आप बेड को क्राफ्ट कर पाएंगे। एक शीप मिली, मुझे 3 शीप्स की ज़रूरत है। कम ऑन शीप, कहाँ है शीप भाई? यहाँ पर है। तो 3 शीप्स हमने मार दिए हैं, अब फटाफट से जाते हैं और अपना एक बेड बना लेते हैं। हमारा हंगर बार काफ़ी डिप्लीट हो चुका है, ये राइट साइड में अगर आप नीचे देखेंगे तो इसको हंगर बार बोलते हैं, और मैं चिकन लेग पीस बोलता हूँ, आई मीन दैट्स काइंड ऑफ कूल। और ये लेफ्ट साइड में जो है ये हार्ट्स, यानी आपका हेल्थ बार। हम लोग जैसे कि हार्ड मोड में खेल रहे हैं, हार्ड मोड में क्या होता है कि हंगर बार पूरा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपकी हेल्थ कम होनी शुरू हो जाती है, तो हमें रेगुलर खाना खाते रहना पड़ेगा। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा हंगर बार 3 पर पहुंच चुका है और हमारी स्पीड स्लो हो गई है, मैं भाग नहीं पाऊंगा जब तक कुछ खा नहीं लेता। तो अब फटाफट से मैं फर्नेस बनाऊंगा और जो शीप को मारने से थोड़ा मटन मिला है ना उसे कुक करने वाला हूं मैं, पर पहले बेड बना लेते हैं। अगर आपको बेड की रेसिपी नहीं पता या किसी भी चीज़ की रेसिपी नहीं पता, यहाँ पर क्राफ्टिंग बुक पर क्लिक करो, ये बेड आ गया है, इस पर क्लिक करो, बेड बन गया। सी अब फर्नेस बना लेते हैं। फर्नेस की रेसिपी सिंपल सी होती है, बीच का ब्लॉक खाली छोड़ो और सारे भर दो, फर्नेस बन गया। फर्नेस बेसिकली एक अपना बोलते हैं ना देसी लोग भट्टी, इसमें आप लोग सारी चीज़ें कुक कर सकते हैं। तो मैं इस मटन को कुक कर लेता हूँ फटाफट। प्लैंक्स यूज़ करने वाला हूँ मैं अभी, क्योंकि हमारे पास कोल तो है नहीं, तो इतने एक कुक होता है। हम बेड को प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, ग्रेट। अब अगर आप बेड पर राइट क्लिक करेंगे तो आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा। हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है। रिस्पॉन पॉइंट सेट होने का मतलब है अगर आप अनफॉर्चुनेटली कभी मर जाते हैं तो आप यहीं पर दोबारा से स्पॉन होने वाले हैं। दैट्स काइंड ऑफ ग्रेट, यू नो। फटाफट से मैं खा लेता हूँ अपना हंगर फिल करने के लिए। अब जैसे कि हमारा बेड बन चुका है, बेड मिल गया है हमें, तो अब दूसरी चीज़ रह जाती है हमारा एक अच्छा फूड का सोर्स अर्ली गेम में। तो मैं यहाँ से सामने जो आपको हिल दिख रहा है उसके ऊपर जाकर टॉप पर देखने वाला हूँ, आसपास कोई टाइगर बायोम तो नहीं है, और लकीली अगर हमें एक टाइगर बायोम मिल जाता है तो फॉर श्योर हमें बेरीज भी मिल जाएंगी, और बेरीज़ मेरा अर्ली गेम का फेवरेट फ्रूट है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस ये कुक हो जाए फटाफट से, चल कर देखते हैं, और हो गया, लेट्स गो। और एक मिनट मैं बेड साथ में ले लेता हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर रास्ते में रात हो गई तो मैं वहाँ पर सो जाऊँगा वहीं पर, क्योंकि अगर रात हो गई और हमारे पास बेड नहीं हुआ तो हम एकदम से बेड तो क्राफ्ट कर नहीं सकते हैं हिल के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मॉब्स स्पॉन हो जाएंगी, तो हमें बस भागना पड़ेगा इधर से उधर, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। सो लेट्स गो, हिल के टॉप पर मिलते हैं। अब अर्ली ऑन गेम में आप लोग को जैसे कोल है यहाँ पर, जितना कोल मिल रहा है ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना भी कोल मिल रहा है आप सब कुछ कलेक्ट करते चलें, क्योंकि कोल जो है अर्ली ऑन गेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आपके पास कोल होगा उतना ज़्यादा आपको यू नो फूड को कुक करना आसान होगा, और स्मेल्टिंग भी करनी पड़ती है हमें बहुत सारी चीज़ों की। लाइक अगर आप कॉबल स्टोन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोन है, ये सारा स्टोन जितना भी आपको पहाड़ में दिख रहा है यू नो सारा कॉबल स्टोन ही है, इसको अगर आप स्मेल्ट करेंगे तो ये नॉर्मल स्टोन में कन्वर्ट होता है, जो मेरे हिसाब से यू नो बहुत अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू कॉबल स्टोन, रेगुलर कॉबल स्टोन। तो वैसे तो रात हो जाएगी थोड़े टाइम में, बट एक्सप्लोर करेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कोल भी साथ साथ लेता चलूँ, क्योंकि कोल यू नो बहुत ज़्यादा काम आता है अर्ली गेम में, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ कोल ज़्यादा। जितना कोल होगा अपने पास उतना जल्दी हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। आई नो आप लोग को लगता होगा कि अर्ली गेम में कितना सारा कोल इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट करना, बट बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है ये। मैं सजेस्ट करूँगा कि कोल आप ज़रूर इकट्ठा करें जितना भी मिले। यहाँ पर भी है कोल, मैं इसको भी माइन कर लेता हूँ फटाफट। मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट एक स्टैक तो हो ही जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हेयर वी आर, एक स्टैक तो नहीं पर हमारे पास नहीं, एक स्टैक ही कंप्लीट हो गई है, मैंने अभी देखा एक स्टैक हमारे पास कोल की कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बाकी जो कोल है उसे हम मे बी आते टाइम कलेक्ट करेंगे, बट अभी हम आगे चलते हैं। लेट्स सी कि अगर हम एक टाइगर बायोम फाइंड कर पाते हैं।
अगर बेरीज मिल जाती हैं तो यू नो आई विल बी रियली रियली हैप्पी, क्योंकि बेरीज मेरी फेवरेट हैं। मैं आपको उसके बहुत सारे फ़ायदे बताने वाला हूँ। अभी जब हम बेरीज मिल जाएंगे तो एक बेरी फार्म सेटअप करेंगे छोटा सा, और आप खुद देखना कितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो फार्म और कितनी जल्दी हमारे पास बेरीज की स्टैक्स इकट्ठी हो जाएंगी थोड़े से ही टाइम में। और रात हो गई है, मैं फटाफट से यहाँ पर बेड रखकर सो जाता हूँ। आगे का हम लोग जर्नी सुबह कंटिन्यू करेंगे। लेट स्लीप स्वीट ड्रीम गाइज। ऑल राइट, सुबह हो चुकी है। और किस डायरेक्शन से आए थे हम लोग? यहाँ इधर से आए थे, अब इधर जाते हैं। ये क्या सीन है भैया, हवा में स्टोन्स हैं या मेरा रेंडर नहीं हुआ है? तो आपको ऐसी, ओह गाइज दिस इज अमेजिंग। मैं इसको देखने के चक्कर में ना सामने देखना भूल ही गया। सामने आप लोग को दिख रहा होगा एक ऑसम सा टाइगर विलेज है सामने, और जायंट टाइगर बायोम भी दिख रहा है मुझे। दिस इज सो अमेजिंग गाइज। इसका साफ साफ मतलब पता है क्या है? कि हम लोग को बेरीज मिल चुकी हैं। मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि हमें बेरीज मिल गई हैं और हमारी फूड की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई है। अब मैं फटाफट से बेरीज ढूंढता हूँ और इस विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं कैसी लूट मिलती है हमें इस विलेज में। नॉर्मली टाइगर विलेज में ठीक ठाक सी लूट मिल जाती है, बट लूट के मामले में आई एम नॉट दैट लकी। लेट्स सी क्या होता है, कैसी लूट मिलती है। तो विलेजर्स जो हैं काफ़ी यू नो अमेजिंग क्रीचर्स हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। बहुत फ़ायदे हैं विलेजर्स के, उसके बारे में हम लोग डिटेल में तो बाद में किसी और एपिसोड में बात करेंगे जब अपना विलेज वगैरह सेटअप कर रहे होंगे। बट ब्रीफिंग में आपको दे देता हूँ, विलेजर्स जो हैं आपको बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं एमरल्ड्स के बदले। आप अच्छी चीज़ें ले सकते हैं उनसे। तो पटेटो हमें मिल चुका है गाइज, हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे पहला क्रॉप। मैं सारे के सारे ले लेता हूँ, और यहाँ से स्प्रूस वुड भी ले लूँगा। शुगर केन भी है, इसको हम लेंगे, ले ही लेता हूँ क्योंकि इवेंचुअली हमें शुगर केन फार्म की ज़रूरत भी पड़ने ही वाली है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। पेपर है, पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें अभी। सो लेट्स सर्च फॉर बेरीज, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे मैं बेरीज का बोले जा रहा हूँ, बट मैं लूटने में लगा हुआ हूँ। बट लेट्स सर्च फॉर बेरीज। दिस इज सो नाइस गाइज, बेरीज फाइनली। मैं सारी कलेक्ट कर लेता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर आप बेरीज को हार्वेस्ट करने जाओगे तो ये आपको स्टिंग करती हैं। सी हेल्थ डिप्लीट होती है, बट उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। जब हम लोग बेरीज का फार्म यू नो सेटअप कर रहे होंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा। बेरीज लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम होती हैं अर्ली गेम में, मतलब इतना तेज़ी से ग्रो करती हैं ना ये। आप लोग जैसे जैसे मेरी गेम प्ले सीरीज़ देखोगे आपको पता लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बताता हूँ बेरीज को। मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट 30-40 बेरीज अपने पास इकट्ठी हो जाएं। 36 हो गई हैं, मैं 40 का सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट 40 हो जाएं, तो उसके बाद हम एक 4 लेन का यू नो फार्म सेटअप करेंगे। 41 हो गई हैं। सो अब बेरीज हमें मिल चुकी हैं, दिस इज़ ग्रेट गाइज। यहाँ पर डॉग्स भी हैं, या आप इन्हें वुल्फ बोल सकते हैं। ये मतलब वन ऑफ द पेट्स हैं, आप इनको टेम कर सकते हैं गेम के अंदर। बोन है अगर आपके पास तो आप इनको बोन फीड करिए तो ये आपके पेट बन जाते हैं। वो भी हम इवेंचुअली करने वाले हैं, बट फटाफट से अभी तो हम बेस के अपने यू नो जहाँ पर हम स्पॉन हुए थे, जहाँ पर अपना बेड वगैरह रखा था, वहाँ पर वापस चलते हैं। जाते जाते मैं पम्पकिन भी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है पम्पकिन फार्म बनाने का। अब मेरे पास एक्स तो है नहीं, तो मैं पिकैक्स यूज़ करता हूँ इसको कलेक्ट करने के लिए। अगर आप पम्पकिन को कलेक्ट कर रहे हैं तो एक्स का यूज़ करें, बहुत तेज़ी से कलेक्ट होते हैं। ग्रेट, 8 पम्पकिन बहुत हैं। सो गाइज आई मीट यू एट द बेस, मतलब बेस तो नहीं बोल सकते उसे अभी, मतलब अपना स्पॉन पॉइंट, ओरिजिनल स्पॉन पॉइंट। चलते हैं और मिलता हूँ मैं आप लोगों से वहीं पर। सो फाइनली वी आर बैक एट द बेस गाइज। आई थिंक यहीं पर था हमारा। मैं थोड़ा सा ये खा लेता हूँ पटेटोज़, क्योंकि हमारा हंगर बार काफ़ी कम हो गया है और मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो
तो अब वैसे हमारी फूड की सिचुएशन तो सॉल्व हो गई है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें खाने की, क्योंकि अब हम लोग फाइनली बेरीज़ का फार्म सेटअप करने जा रहे हैं। बट वो फार्म सेटअप करने के लिए थोड़ी सी हमें वुड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं फटाफट से एक एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एक्स की रेसिपी ये होती है कि एक्स बन गई है और अब इससे मैं फटाफट वुड जाकर कलेक्ट करता हूँ और फिर हम लोग फार्म सेटअप करेंगे। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से जब मैं वुड कलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ डार्क ओक से बनाते हैं, सो मैं डार्क ओक वुड कलेक्ट करके आता हूँ। सो गाइज आई एम बैक और मैंने वुड तो कलेक्ट कर ली है, बट अब जैसे कि रात होने वाली है तो फटाफट से बेड प्लेस करके हम लोग पहले सो जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग फार्म सेटअप करेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। अराउंड 30 वुड कलेक्ट करी है मैंने डार्क ओक, तो फटाफट से सो जाते हैं, उसके बाद हम लोग कल सुबह उठकर फटाफट से अपना फार्म बनाएंगे। स्वीट ड्रीम गाइज। एंड अगेन इट्स मॉर्निंग, सो अपनी सप्लाईज यू नो ले लेते हैं, सारे के सारे मैं प्लैंक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि प्लैंक्स की हमें बेसिकली ज़रूरत पड़ने वाली है। सो स्लैब्स चाहिए हमें अराउंड आई थिंक इतनी बहुत होंगी, और हमें इसके बाद चाहिए फेंसेस। फेंसेस के लिए चाहिए होती हैं स्टिक्स, तो पहले स्टिक्स बना लेते हैं। ऑल राइट गाइज वी आर ऑल सेट टू मेक द बेरी फार्म, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा, थोड़ा सा एरिया क्लियर कर लेता हूँ। क्योंकि ग्रास मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ऑल राइट सो लेट्स बिगिन विद द फार्म। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 8-8 की रोज़ बनाऊँ क्योंकि हमारे पास 40 हैं, तो 5 8 40 5 रोज़ हमारी बन जाएंगी। सो लेट्स गो विद दैट 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 8 तो एक यहाँ पर मैंने वेस्ट कर दी है, तो अब बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी। सो 5 लेन्स मैंने बना ली है 8 बेरीज़ की। तो अब अगर आप इसको डायरेक्टली हार्वेस्ट करने जाएंगे ऐसे तो ना ये स्टिंग करती है, सी ऐसे, जिससे कि आपको हर्ट होता है और हार्ट्स रिड्यूस होते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप लोग इसके ऊपर एक स्लैब की रूफ बना दें लाइक दिस। अगर आप एक रूफ बनाएंगे तो अब आप इसको आसानी से हार्वेस्ट कर पाएंगे। सी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बट इट्स क्वाइट एफिशिएंट, बिल्कुल स्टिंग नहीं करेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो मैं फटाफट से कंप्लीट करता हूँ। आई थिंक स्लैब्स हमारे पास कम है, और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रॉप्स है, अभी मैंने प्लांट किया ही है और देखो उस पर बेरी उग भी गई। सो हाउ फास्ट इज दैट, आई मीन लिटरली दिस इज अमेजिंग। तभी मेरे को बेरीज इतनी ज़्यादा पसंद है, और आप लोग देखेंगे ना अभी थोड़े से ही टाइम में अपने पास इसकी स्टैक्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, इनफैक्ट सरप्लस हो जाएगा उतना कि हम लोग कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। लेट्स कंप्लीट दिस, और ये हो गया हमारा फार्म कंप्लीट। और अब आप लोग इसकी एफिशिएंसी देखना, कुछ ही देर में बेरीज उगनी शुरू, कुछ ही देर में क्या उगनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी देर में हमारे पास बेरीज की स्टैक्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। सो विद दिस आई थिंक इस एपिसोड में इतना ही,
क्योंकि हमारी फूड सिचुएशन हो चुकी है सॉल्व और बेड भी है अपने पास, हम लोग नाइट्स को स्किप कर सकते हैं. सो इट्स क्वाइट गुड फॉर द फर्स्ट डे. एक्चुअली आई थिंक दो नाइट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो सी कितनी तेज़ी से उग रही हैं. तभी मैं बोल रहा था कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट डे है, और तभी मेरा वन ऑफ द फेवरेट अर्ली गेम फूड है ये. आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा इस एपिसोड में. तो मैं यहीं पर एपिसोड को ख़त्म करता हूँ. सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.